हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर्य ट्रिक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गूगल ड्राइव में फ़ोटो कैसे सेव करें, ड्राइव में फ़ोटो कैसे डालें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव में फ़ोटो सेव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके से आप मोबाइल के होम स्क्रीन पर आएंगे और इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा गूगल नाम से, देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर इस गूगल वाले फ़ोल्डर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्राइव नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, यानी कि एप्लीकेशन मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर इस ड्राइव वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। गूगल ड्राइव एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हमें प्लस का आइकन मिलेगा, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें फ़ोल्डर मिलेगा, देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें अपलोड मिलेगा। तो यहाँ पर हमें फ़ोल्डर पर क्लिक करना है। एंड फोल्डर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी फोल्डर बनाना चाहते हैं, जिस भी नाम से हम अपना फोल्डर बनाना चाहते हैं जिसमें हम कोई भी फ़ोटो सेव करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, मैं अपना नाम से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, मेरा नाम है रियाज रॉबी। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, रियाज रॉबी। अब यहाँ पर मैं अपना नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे नाम से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो अब यहाँ पर हमें इस फोल्डर पर क्लिक करना है। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें प्लस का आइकन मिलेगा, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें थ्री लाइन मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमें इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें गैलरी पर क्लिक करना है, देख सकते हैं दोस्तों। गैलरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा गैलरी ओपन होगा। तो जिस फ़ोटो को हम अपने गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं वो फ़ोटो यहाँ पर हमें चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं अपना फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5 जितना आपको फ़ोटो सेव करके रखना चाहते हैं गूगल ड्राइव में, उतना फ़ोटो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4-5 फ़ोटो को यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो चूज कर लिया हूँ। एंड फ़ोटो चूज करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें राइट का ऑप्शन मिलेगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इसे राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो गूगल ड्राइव में अपलोड हो रहा है, देख सकते हैं, सेव हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, फटाफट से यहाँ पर मेरा गूगल ड्राइव में फ़ोटो अपलोड हो रहा है, सेव हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मेरे गूगल ड्राइव में 5 फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। एक ये फ़ोटो मैं अपलोड किया हूँ, एक ये फ़ोटो अपलोड किया हूँ, एंड यहाँ पर एक मैं ये फ़ोटो अपलोड किया हूँ, देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने गूगल ड्राइव में किसी भी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय।